कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मिस्टर टी एन सुब्रमण्यम, रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर, डॉक्टर ललित खन्ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, मिस्टर अशोक मित्तल, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ, मिस्टर शरद जैन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, मिस्टर दीपक गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट कन्वेनर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, डॉक्टर सुनील मित्तल, मिस्टर राजगोपाल रंगवाल जी, ऑल गेस्ट डिग्निटीज एंड डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि विशेष रूप से मेंटल हेल्थ, ये कोविड के बाद एक बहुत बड़ी समस्या तैयार हुई है और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण काफी लोगों का जीवन भी डिस्टर्ब हुआ है। और रोटरी क्लब के बारे में ये एक विशेषता है कि सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द रोटरियंस। मैं अक्सर एक बात कहता हूं क्योंकि इन्होंने भी कविता सुनाई है, बहुत अच्छी कविता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इसलिए मैं भी अक्सर एक संस्कृत कविता को याद रखता हूं कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, असहाय है, उनके प्रति संवेदनशीलता रखकर उनके जीवन को सुसह्य करने की कोशिश करना, ये सामाजिक दायित्व के रूप में हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी भूटान के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हैप्पी ह्यूमन, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसकी बात की है, यूनो में भी इसकी चर्चा हुई है। और आज हम समाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के साथ ये जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर द सोसाइटी। और इसमें एक बात जरूरी है कि ऐसी बहुत सी समस्या है जिसके लिए हम लोग अगर चाहते तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और यही बात है कि आज रोटरी क्लब ने, दिल्ली नॉर्थ रोटरी क्लब ने मेंटल हेल्थ के इशू को एक प्रकार से ऐसे असहाय लोगों को मदद करने के लिए इस सेंटर की शुरुआत की है। मैं सबसे पहले आपको ये भी अनुरोध करूंगा कि पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरीबडी। और इसमें इसका संबंध व्यक्तियों के ऊपर जो संस्कार होते हैं उनके साथ होता है। और संस्कार जो मिलते हैं वो शिक्षा से भी मिलते हैं, परिवार से भी मिलते हैं, गुरुवर्यों से भी मिलते हैं, कभी कभी समाज से भी मिलते हैं। और हम लोग एक तरफ ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान के आधार पर बहुत आगे निकल रहे हैं, ये बात सही है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट फिलॉसफी विच ऑलवेज आई एम ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल दैट नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। अभी दिल्ली के रिंग रोड का हम काम कर रहे हैं तो आपके गाजीपुर के टिकड़ी का 20 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया, तो स्वच्छ भारत अभियान पूरा, तो कचरे का भी उपयोग है। सवाल यही आता है कि उसके लिए किस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो विशेष रूप से हमारी विज्ञान तंत्र विज्ञान में तो आगे जाना ही है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सुपर इकोनॉमिक पावर हमें बनना है और प्रधानमंत्री जी का भी सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। पर यह सब करते समय जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है और परिवार पद्धति है, दैट इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन सोसाइटी। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, डिप्रेशन है,
जिसके कारण मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम हो रहे हैं, इनका संबंध साइकोलॉजिकली भी थोड़े हमारे परिवार पद्धति और संस्कारों से भी है। हमारा जो टेम्परामेंट है, हमारा व्यक्तित्व है, जिन संस्कारों पर आधारित खड़ा होगा, उसका परिणाम भी जीवन में काफी बड़ा होता है। और इसलिए आप साइंस का उपयोग करके मेंटल हेल्थ के लिए मदद तो कर रहे हैं, पर उनका काउंसिलिंग करके उनका मेंटल करेज, पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी काउंसिलिंग के साथ बढ़ाना होगा। आजकल योग विज्ञान, आयुर्वेद, इसमें भी काफी प्रगति हुई है। मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के अनेक उपाय योजनाएं करते हैं। उसमें से एलोपैथी मोड में उसके उपाय योजना है ही, पर उसके साथ साथ जो हमारी विरासत, इतिहास और संस्कृति से हमें जो बातें मिली हुई है, उसमें भी बहुत बड़ी शक्ति है। मैं रोज 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूं, और मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, पर जब से मैं प्राणायाम करने लगा और थोड़ा एक्सरसाइज करता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा फिट हूं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ज्यादा काम अगर करना है तो हमें निश्चित रूप से हमारे पास जो परंपरागत शास्त्र और विज्ञान है, मैं योग को विज्ञान मानता हूं, और इसके साथ साथ भी उसके भी फायदे हैं। मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि एलोपैथिक उपचार जो मेंटल हेल्थ के, वो सेंटर खोल के तो जरूर करिए, पर उसके साथ उसके काउंसिलिंग में निश्चित रूप से हम बाकी भी बातों के साथ उसके माइंड सेटअप को कैसे बदल सकते हैं, ये भी कोशिश करने के लिए काउंसिलिंग करें। और ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के बाद इसके काफी साइड इफेक्ट्स आए हैं, पर फिर भी आप लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस